नमस्ते, सत श्री अकाल और हेलो। सो गाइस, आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज मैं हूँ स्वामी नारायण मंदिर में, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरी दोस्त जो है दर्शना ने मुझे इनवाइट किया इस मंदिर में। ये न्यूयॉर्क में मंदिर है, तो मुझे इसके बारे में बता रही है। बहुत खूबसूरत मंदिर है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हम असल में नवरात्रि, शरद पूर्णिमा की नवरात्रि, हाँ जो है शरद पूर्णिमा की नवरात्रि जो yes. है वो असल में खत्म हो गई है। लेकिन क्या है कि इन्होंने यहाँ पे आज पूजा रखी थी और जितने भी लोग थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर गरबा करेंगे और यहाँ पे खाना खाएंगे, तो बहुत अच्छा इन्होंने रखा था। तो मैं भी आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, मैं आप लोगों को दिखा। मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, सभी एक जैसे होते हैं। देखने वाले की नज़र पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे देख रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंदिर है और ये रात में तो बेनता हसीन लग रहा है। वैसे दिन में भी बहुत प्यारा लगता है लेकिन रात में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरी दोस्त बता रही थी इस मंदिर को आई थिंक 6 साल हो गए हैं, तो अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत है। आप देखें कितना खूबसूरत इन्होंने इस मंदिर को बनाया है और इसमें आप कार्विंग देख रहे होंगे जो कि कैसे उसको बिल्कुल डिज़ाइनिंग उसकी की हुई है, जो कि हमारी ईस्ट का कल्चर को बताती है। जब आप मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये कल्चर को डिफाइन करती है, यू नो। तो खैर, मुझे तो बहुत ही मज़ा। हेलो एवरीवन, आज हम, मैं और तंजीला स्वामीनारायण मंदिर में आए हैं। आज शरद पूर्णिमा की नवरात्रि है, तो और हम दोनों की दोस्ती तकरीबन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से है। तो ऑलवेज आई वॉज मैंशनिंग दैट मंदिर इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग, शी हैज़ फाइनली चांस टुडे टू कम टू सी द मंदिर। तो ये हमारा जो गुजराती लोगों का इंडियन चनिया चोली का स्टाइल है, और होप यू लाइक द टुडेज शरद पूर्णिमाज गरबा ऑल्सो, वी गोना शो यू गाइस। ये कौन से वाले, शंकर पार्वती जी और गणपति जी। अच्छा, शंकर पार्वती कृष्ण जी, राधा कृष्ण, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। तो इन्होंने हम लोगों को थाली एक तरह की दे दी थी जो कि डिस्पोजेबल थी, और इसमें काफ़ी सारे आपके होल्स देख रहे हैं। इसमें इन्होंने एक, इनकी पूजा हुई थी तो उसके हिसाब से यहाँ का मीठा बना था। ये रसमलाई जैसा था, मुझे ना रसमलाई जैसा टेस्ट आया उसमें, और ये हलवा भी रखा हुआ था। आई विश मुझे हलवा मिल जाता, लेकिन मैंने जलेबी ली, तो जलेबी मेरी फेवरेट है। और फिर मुझे कचौरी भी उन्होंने दी और पकौड़े दिए, तो और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। आप देखेंगे यहाँ पर वो अभी पकौड़े रखेंगी, और मेरे फेवरेट है सब। और ये भाजी थी, तरकारी टाइप थी, और मिक्स वेजिटेबल्स थी, और ये ब्लैक कलर के छोले थे जो कि बहुत ही मज़े के थे। ये बहुत ही, इन्होंने चावल दिए फिर, और मैं दूसरों की भी दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, ये जो थी बड़े मज़े की खट्टी सी दाल थी, और जो इसमें ना पीनट्स भी डले हुए थे। तो खैर, डिफरेंट था खाना, जैसे हम पाकिस्तानी जो बनाते हैं उससे डिफरेंट था ये। मैं था सारी भाजी और तरकारियाँ, इसमें कोई मीट का कोई आइटम नहीं था। तो ये देखें कैसे सबने अपनी अपनी जो थाली और या जो भी प्लेट आप कह दें वो रखी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हनाया भी मज़े कर रही हैं। हम, इतना सारा खाना हमें मिला है, हमें बहुत सारी सब्जियाँ और यू नो लाइक जलेबी। अरे जलेबी तो देखें आप, जलेबी देखें जरा आप, वाह वाह मजे का। अब हमें खाना उन्होंने परोस दिया है, कैसा बोला मैंने, परोस दिया है खाना, अब हम उसको खाएंगे। थोड़ा कल्चर के बारे में, लेकिन यहाँ पे पता है कि सर्टन चीज़ें बच्चों को एक्सप्लेन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और करते भी हैं उनको समझने के साथ अच्छे से। प्रैक्टिकल आप बताओ ज़्यादा अच्छा लगता है। सही बात है, मैं भी इनायत को मस्जिद में इस तरह ले जाती हूँ, वैसे भी यहाँ पे अच्छा डिफरेंट कल्चर सीखने को मिलता है। पकौड़ा
टी भाई बड़ा मजा आ रहा है आपको, क्या खा रही हैं आप? पकोड़ा। आंटी की तो जरा प्लेट देखो। मजा आ गया भाई, नया मजे की। ये अपनी You're not eating any food? Oh, I am. Go, 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 eat now. यहाँ पे मैं और दर्शना, अब और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब दिवाली के इनविटेशन कार्ड्स कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी हेल्प कर देती हूँ, तो अच्छा है अपनी फ्रेंड की हेल्प आउट हो जाएगी थोड़ी। फिर जो है दर्शना बता रही हैं नाया को कि ये लोग जो है मन्नत मानते हैं तो फिर यहाँ पर आते हैं और पूजा कैसे कर रहे होते हैं जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो खैर नाया को सिखा रही हैं, तो अच्छा है नाया दूसरा मज़हब भी सीख रही हैं और उसके अलावा जो है कल्चर भी सीख रही हैं, तो डाइवर्सिटी सीख रही हैं एक्चुअल में ये। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे हर तरह का मज़हब, हर तरह का कल्चर सीखते हैं, तो ये अच्छी बात है उनकी जो आने वाली ज़िंदगी के लिए, बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों में एक चीज़ सीखने को इनको मिलती है बच्चों को, कि सारे जो मज़हब होते हैं सारे, तो वो एक जैसे उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो जितने भी मज़हब होते हैं वो आपको पीस ही सिखाते हैं, अमन सिखाते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो फिर बच्चे जब बड़े भी होंगे ना इन फ्यूचर, तो उनके लिए क्या होगा, उन्हें पता होगा कि हमें रिस्पेक्ट करनी है दूसरे कल्चर्स की, दूसरे मज़हब की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपनी दुनिया को पूरा मन रखना है। तो खैर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर, और ये मंदिर में ही उन्होंने दुकान भी थी एक, जहाँ पे इंडियन स्नैक्स मिल रहे थे। अच्छा, इस दुकान की एक ख़ास बात थी कि यहाँ पे जितने भी स्नैक्स मिल रहे थे वो बहुत फ्रेश थे, तो मतलब कि वो ताज़े बनाए हुए थे इन्होंने, और क्योंकि एक मंदिर की भी थी बात, और फिर वो इंडियन स्वीट्स थी सारी, एक्सेप्ट गुलाब जामुन नहीं था, तो मैंने गुलाब जामुन को बड़ा मिस किया वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा जितने भी वो जो काजू की मिठाई और लाइक यू नो बहुत ऐसी ऐसी किस्म की थी जो इंडियन ही थी। आप लोग देख रहे हैं कि मैं और दर्शना यहाँ पे बहुत मज़े कर रहे हैं, नाया को भी बहुत मज़ा आ रहा है, और दर्शना थैंक यू आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैंने यहाँ मंदिर आकर तो मुझे बहुत सकून सा मिला, जैसे मस्जिद जाकर मुझे सकून मिलता है और चर्च जाकर मुझे नाउ आप हम लोग जा रहे हैं अंदर और गरबा देखने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ चलिए और देखें कि वहाँ पे कैसा फन होता है। गाइज ये जो गरबा कर रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं है, देखने में तो बहुत ही ऐसा लगता है बहुत आसान है, एक्चुअल में ये आसान नहीं है, तो मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं ये करूं, तो इनाया ने तो फिर भी ट्राई किया, लेकिन दर्शना तो बहुत ही अच्छा कर रही थी, अच्छा लग रहा था वहाँ पे देखने। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मज़ा आया होगा मंदिर में, जैसे कि मैं यहाँ थी मंदिर में और अपनी दोस्त के साथ, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा कि कैसे यहाँ पे सब मज़हब मिलके रहते हैं प्यार से, और कैसे यहाँ पर मैं आई हूँ और मैं जबकि मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत सुकून है। तो खैर आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।